पहचाने के नहीं पहचाने, सिर पर बगदा साड़ी का पल्लू रखने वाली, माथे पर टीका लगाने वाली, गले में दुदुराज की माला धारण करने वाली और बगल में तमंचा लगाने वाली, एक हाथ में चूड़ी पहनने वाली, हाथों में मेहंदी लगाने वाली, यह है रानी कनौजिया। जहां जाती थी भैया जरूरत पड़ता था तो हाथ भी जोड़ती थी, जरूरत पड़ता था तो तमंचा भी निकालती थी। जहां जाती थी वहां अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने और छक्के छुड़ा देती थी, बेबचालों का कलेजा डोलने लगता था। ये रानी कनौजिया थी भैया जिनका जलवा चलता था। हम सबको छोड़कर चली गई, कोसाम्बी में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, सड़क हादसा हो गया। जैसा आपको दर की हमको अब दोपहर को जानकारी मिली कि कोसाम्बी के गड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के लेधरी पुल के पास गिट्टी से भरा हुआ डंपर आता है और ठोकर मार देता है बेलोरो को। बेलोरो में सवार थी और बेलोरो के परखच्चे उड़ जाते। दुर्दशा देखो बेलोरो कैसी हो गई। उमा बकायदा हैदरगढ़ की पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीजेपी की नेता रानी कनौजिया समेत दो और महिलाओं की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, कई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोसाम्बी की पुलिस पहुंची, घायलों को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया और मौके पर पुलिस बल मौजूद है। इसके साथ ही शव को पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बहुत बड़ी और दुखद खबर है। हमने कहा बता दें आपको कि देखो हम सब को छोड़ करके रानी कनौजिया चली गई। हैदरगढ़ में भैया इस समय शोकाकुल माहौल है, चारों तरफ बकायदा शोक लहर दौड़ पड़ी है। सब गरीबों की समस्याएं उठा करती थी, जहां होता था भैया ये बकायदा ऊपर तक पहुंच जाती थी, गरीबों की समस्या इस कदर से उठाती थी। बीजेपी की नेता थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, अब रानी कनौजिया इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ही दुखद खबर, हमने कहा बता दें आपको। पर फिलहाल एवं की बैठक वीडियो शिकार आदि चैनल से मिलेगी।